ओके फ्रेंड्स, बिना टाइम खराब करे बिना शुरू करते हैं अपने सबसे पहले लॉन्चर के बारे में। तो सबसे पहला लॉन्चर है वो है लाइट लॉन्चर लाइट 3D, जो कि मात्र 68 KB का है। जो इसका साइज है उसके अकॉर्डिंग ये आपको बहुत अच्छी कस्टमाइजेशन देता है। तो यहाँ पर जो आपको कोई भी ऐप ड्रॉर वगैरह नहीं मिलता है, एक्चुअली में यहाँ पर सिर्फ ऐप ड्रॉर ही मिलता है, यहाँ पर होम पेज आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर आप स्क्रोलिंग वगैरह कर सकते हैं, जिससे कि बहुत मज़ा आता है, इससे फन भी है। एक्चुअली ये जो लॉन्चर है वो उन लोगों के लिए है जो कि अपने फ़ोन में कोई ज़्यादा हैवी लॉन्चर नहीं रखना चाहते, साथ ही साथ अच्छी कस्टमाइजेशन चाहते हैं। यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन के लिए मिलते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। यहाँ पर आप टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप आइकन का साइज सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट का कंप्रेशन वगैरह साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बैकग्राउंड चेंज करने का भी ऑप्शन मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर भी है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ जो अगला लॉन्चर है वो है रेनेगेड लॉन्चर, जो कि आपको कम MB वाले साइज में आपको अच्छा खासा कस्टमाइजेशन, इसका साइज है वो है 198 MB। आप जेस्चर सेट कर सकते हैं अपने एक और एप्लीकेशन के लिए, जिससे जेस्चर से आपको जो एप्लीकेशन खोलनी है। और यहाँ पर एक और जो अच्छा फीचर आपको देखने को मिलता है इस लॉन्चर में, वो है कि आपको राइट और लेफ्ट साइड में दोनों में ही बहुत अच्छे एनिमेशन मिलते हैं, जिनके थ्रू आप जो है अपने एप्लीकेशन को क्विक एक्सेस कर सकते हैं होम स्क्रीन से ही, बिना आपको ऐप ड्रॉअर में जाने की भी जरूरत नहीं है। तो डेफिनेटली ये फीचर भी इस एप्लीकेशन में, इस लॉन्चर में बहुत अच्छा है। ओके तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 198 KB में ऐसा नहीं है कि ऐप ड्रॉअर को एलिमिनेट कर दिया गया हो, इस एप्लीकेशन में आपको ऐप ड्रॉअर भी देखने को मिलता है। जो एक और अच्छा लॉन्चर आता है वो आता है AP15 नाम से, जिसका साइज है 346 KB, और 346 KB में भी ये आपको बहुत अच्छा मतलब कस्टमाइजेशन देता है, बहुत अच्छा आपके फोन को बना देता है देखने में। तो इंटरेस्टिंग बात इस लॉन्चर की ये है कि इसमें आपको एक भी आइकन देखने को नहीं मिलता है, आइकन की जगह यहाँ पर आपको मिलते हैं टेक्स्ट, जिस पे टच करके आप जो है अपने फोन को एक्सेस करेंगे, एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, यहाँ पर जो अपने टेक्स्ट को, अपने बैकग्राउंड के कलर को आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको फॉन्ट्स की लिस्ट बहुत अच्छी खासी मिलती है, जिसमें से आप अपने मनपसंद फोन को सिलेक्ट करके अपने फोन को कस्टमाइज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगला लॉन्चर है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें आपको बस आइकन्स जो है वो मिलते हैं बबल की फॉर्म में, और आपको एक ही स्क्रीन पर सारे एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, जिनमें आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्क्रोलिंग नहीं है, यहाँ पर आपको फ्री स्क्रोलिंग मिलती है, जिससे आप जो है अपने बाकी ऐप्स को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर लेकिन आपको थोड़ा एप्लीकेशन को ढूंढने में दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी यहाँ इससे यूज़ करने से आपका फ़ोन जो है एक्चुअली काफ़ी अच्छा दिखने लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस लॉन्चर में आपको कोई ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, यहाँ पर आप खाली बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर अपने मन की कोई इमेज लगा सकते हैं, यहाँ पर बबल्स को चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यार 2.3 MB के हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइजेशन आपको बहुत कम मिलती है। वहीं अगर बात करें रेनेगेड लॉन्चर की, तो यहाँ पर आपको 198 KB में ही बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दे देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जो ये कम MB में अपने फ़ोन में शाओमी जैसा मिलते हैं, यार आप मी लॉन्चर के साथ जा सकते हैं, जिसका साइज 1.5 MB, और इसमें कोई ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं मिलती, डिफॉल्ट लॉन्चर के साथ ही जो है ये आपको कस्टमाइजेशन का कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, डिफॉल्ट लॉन्चर के साथ ही आपको ये आइकन चेंज कर देता है, और बस यही है इसके बारे में, कोई ज़्यादा बोलने के लिए है भी नहीं। ये थे हमारे कुछ लाइट वेट लॉन्चर, जिनमें से आप कुछ ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को यार जरूर लाइक करें, बिना मत जाना प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार चैनल को, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, दोबारा से मेरे चैनल सब्सक्राइब और साथ ही साथ बराबर में मिलेगा बेल आइकन, जिसमें हो गई कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे, और डेफिनेटली मिस भी मत करा करो, क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।